नोट करना है और याद कर लेना चैप्टर जरूरी है। इसके बाद नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है। देखो वाटर फॉर्मूला क्या है इसका, H2O। वाटर सबको पता है इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑलमोस्ट हर एक चीज इसके अंदर डिजोल्व जरूर होती है, कोई कम तो कोई ज्यादा, है ना। हर एक चीज इसके अंदर डिजोल्व होती है, तो कोई कम डिजोल्व होगी तो कोई ज्यादा डिजोल्व होगी। वाटर क्या इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ह्यूमन बॉडी भी सबको पता है कि 65 to 75% उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कई प्लांट्स के अंदर मोर देन 80% 90% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, सही ना, वाटर प्रेजेंट होता है। और मेनली वाटर जो है जैसे एटमॉस्फेयर में भी, अगर हाइड्रोस्फेयर की बात करें 70% क्या है, वाटर। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑल्सो कवर्ड विद वाटर। 70% अर्थ सरफेस भी कवर्ड है किससे, वाटर से। मेनली वाटर जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ओशंस के अंदर। ओशंस में लगभग 97% वाटर है, बाकी लेक्स रिवर्स पॉन्ड्स या मॉइस्चर में या फिर ग्राउंड वाटर जो होता है, टोटल मिलाकर के 3% वाटर आएगा, टोटल मिलाकर के 3%। ग्लेशियर्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा होता है ना, ग्लेशियर्स में या पोलर आइस में थोड़ा ज्यादा वाटर होता है। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है इसका। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कलरलेस और टेस्टलेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कलरलेस होता है, ये टेस्टलेस लिक्विड है, कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड होता है। और उसके बाद जो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है उसमें ये मेजर, इसमें ये भी मेजर रोल प्ले करता है। कैसे, क्योंकि वाटर के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और थर्मल हीट कैपेसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी इंक्रीज कर जाती हैं जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, क्योंकि ओशन वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा तो सन की रेज जो आ रही है उनको ये वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और नाइट में भी जो, क्योंकि वाटर का हीट वेपरेशन भी ज्यादा होता है, तो डेल्टा एच वेपरेशन ज्यादा है तो वाटर बहुत जल्दी से वेपराइज नहीं करेगा, इस वजह से लाइफ पॉसिबल है। देयरफॉर वाटर प्लेज मेजर रोल इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, समझे कि नहीं। तो ये यहाँ तक एक बार समझ लो ढंग से, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर, वाटर प्लेज की रोल इन द बायोस्फीयर, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो उसके अंदर यही बोलना है तुम्हें, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा फ्यूजन, डेल्टा जो ऑपरेशन की सारी प्रॉपर्टीज क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। और इंक्रीज करने की वजह से, इंक्रीज करने की वजह से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, यानी इंक्रीज करने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और इस वजह से वाटर की रोल प्ले करता है इन द बायोस्फीयर, वाटर प्लेस की रोल इन द बायोस्फीयर, ये तुम्हें याद रखना है ना। और ये एनिमल वगैरह के मेटाबॉलिज्म में भी ट्रांसपोर्ट करता है आयंस वगैरह को, तो उनका भी बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करता है, और उनके सर्वाइवल के लिए एक नेसेसिटी है एक तरह से। तो ये रहता है यहाँ पे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो बताया मैंने तुम्हें यहाँ पे, वाटर प्लेस की रोल इन द बायोस्फीयर, कैसे प्ले करता है, तो मैं वही बताना तुम्हें कि वाटर का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर तुमने पढ़ा हुआ है, सही ना। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है वो तुमने सबने पढ़ा हुआ है कि इसका एंगुलर और वी और बेंड शेप है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर। दो बॉन्ड पेयर है इसके पास, दो लोन पेयर है, इसलिए इसका क्या है, एंगुलर और वी और बेंड शेप है, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। और इसके आइस वाला स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो होता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मैंने इस तरह से तुम्हें सिखाया हुआ है, अदरवाइज एग्जैक्टली ये करेक्ट नहीं है, ये H2O इस तरीके से, ये चीज सिखाई हुई मैंने तुम्हें, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना, ये ऐसे दिखाया हुआ है, बट इट हैज एक्चुअली हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर आ गया वाटर के अंदर, वाटर के अंदर क्या आ गया, केज लाइक स्ट्रक्चर आ गया, खाली जगह आ गई कि नहीं, तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए पानी के ऊपर ये हमेशा फ्लोट करता है, पानी के ऊपर आइस जो है फ्लोट करेगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, हेंस इट हैज ग्रेटर वॉल्यूम एज कंपेयर टू वाटर, देयरफॉर इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, हेंस इट फ्लोट्स अपॉन वाटर। और अब जैसे ही टेम्परेचर तुम कम, अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर ये वैनिश होता जाएगा, ये टूटता जाएगा केज लाइक स्ट्रक्चर,
ये केज लाइक स्ट्रक्चर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, समझ गए कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा होगा, और इसका एक मैंने तुम्हें बताया होगा अगर तुम्हें ध्यान हो तो स्ट्रक्चर, कि जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास डेंसिटी है और यहाँ पे है टेम्परेचर, टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता गया, बढ़ती गई डेंसिटी बढ़ती गई एंड बिकम मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर दैट ड्यू टू हीटिंग, इसके बाद हीटिंग की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। ये वाटर, दिस इज मैक्सिमम डेंसिटी फॉर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करूँ डी टू ओ की, तो डी टू ओ का कर्व जो है थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस मान लो ये है, तो इसकी डेंसिटी फिर बढ़ेगी बढ़ेगी फिर कम होगी, तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी जो है कुछ थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पे होती है। ये डी टू ओ की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे थे मैं एच टू ओ की। एच टू ओ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो ये 2 डिग्री से एक या 2 डिग्री से स्टार्ट होता है, और डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है जो जो थोड़े हाई टेम्परेचर पे होती है। ये डी टू ओ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे थे मैं एच टू ओ। तो अब तुम्हें कुछ भी याद रहे ना रहे, बस ये याद ना वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 277 केल्विन। इसलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में एक्वेटिक लाइफ फिश वगैरह कैसे सरवाइव करती है जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस या नेगेटिव में भी पहुंच जाता है, कैसे फिश वगैरह सरवाइव करेंगी वहां पे जब पानी जो है सारा बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, तो फिश कैसे सरवाइव करती है। तो उसके लिए भी, उसके लिए एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम एनसीईआरटी बुक तुम्हारे पास है उसमें दे रखा होगा एक्सप्लेनेशन लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से पहले। देखो लेक वगैरह जो है, लेक वगैरह अगर है मान लिया समर सीजन है, टेम्परेचर था तुम्हारा, टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस कुछ तो रहा होगा, 10 है 10 to 20 इस टाइप से रहा है टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, से टेम्परेचर पहुंच गया 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो ऊपर की लेयर है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर पहुंचे मैक्सिमम डेंसिटी कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई 4 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। तो ये जो लेयर है ऊपर वाली, ये लेयर कहाँ चली जाएगी, ये लेयर कहाँ चली जाएगी, अब डेंसिटी ज्यादा तो नीचे चली जाएगी कि नहीं, ये जो लेयर थी ऊपर ये नीचे आ जाएगी इधर, ये आ गई नीचे। अब ऊपर वाली लेयर उसका टेम्परेचर जैसे 4 डिग्री सेल्सियस होगा वो फिर नीचे आ जाएगी, तो एक एक करके सारी लेयर्स नीचे नीचे, जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता जाएगा वो नीचे आ जाएंगी। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब पूरा वाटर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब पूरा टेम्परेचर जो है पानी का 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब ऊपर वाली लेयर की आइस बनेगी, ऊपर वाली लेयर की आइस बनेगी, ऊपर वाली लेयर की आइस बनते ही ऊपर वाली लेयर की आइस बन गई, तो ये काम करेगी इंसुलेटर, ये काम करेगी इंसुलेटर का, और नीचे वाले पानी को बहुत जल्दी फ्रीज नहीं होने देगी, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। ऊपर तो रहेगी आइस लेकिन नीचे पानी ही रहेगा, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल। ये क्या क्लियर हुआ किसी को कि नहीं, यस एक बार हिमांग एक्सप्लेन करके क्या बोला मैंने, लेक्स फ्री, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, लेक्स फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेक्स फ्रीज फ्रॉम टॉप जैसे जैसे वो टेम्परेचर मतलब 10 to 20 डिग्री सेल्सियस कम आते था, सर मतलब 4 डिग्री सेल्सियस अभी आ जाता जब टेम्परेचर, तब वो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वाटर की, तो इसलिए जो ऊपर वाली लेयर्स होती है वो नीचे चली जाती है सारी, और 4 डिग्री की वाटर होती है। फिर बाद में जब वो मतलब जब तक वो 0 डिग्री पहुंचे तब खाली ऊपर का लेयर फ्रीज कर जाती है और वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, और नीचे और हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, मतलब हीट लॉस नहीं हो पाती, इसलिए हाँ, नीचे का मतलब 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए पर नीचे रहता है। नीचे पानी, हाँ नीचे अंटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत कम नहीं होगा, नीचे जो पानी रहता है, इसलिए फिश वगैरह या एक्वाटिक लाइफ वाला, एक्वाटिक लाइफ वगैरह पॉसिबल है। क्लियर हो गया कि नहीं पूरा, क्लियर हो गया सबको, एक बार हैंड यस से करना, इसको समझ आ गया क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा है ये, लेक्स फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तुम जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइस के ऊपर चेक करोगे ना, तो ये दे रखा है पूरा 4-5 लाइनें स्ट्रक्चर ऑफ आइस से पहले।
एक बार चेक करो, किसी को डाउट तो पूछ लो। तो कुछ मजा के इशिता, शरद, भव्या, ध्रुव, दीपांशी, गर्व, अर्जुन, ध्वनि, आर्यमन, हिमांग, सौम्या, निकिता, नीलांश, सचित, हरेंद्र, ध्रुव, वैभव, कृष्ण। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको क्लियर है, मनीष सबको क्लियर है कि हाउ लेक्स आरुषि, हाउ लेक्स फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम फ्रीजिंग चलती है। सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, नेक्स्ट अब क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में पहला है एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब जो वाटर है इसका दोनों बिहेवियर होता है, ये एसिड का काम भी करता है, ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, ये एसिड का भी करेगा बेस का भी काम करेगा, कैसे, एसिड से भी रिएक्ट करेगा बेस से भी रिएक्ट करेगा, ये मेन मेन चीज होता है एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग। तो जैसे अगर मैं NH3 में H2 डालता हूँ, NH3 में H2 डाला तो क्या बन जाएगा, NH4+ प्लस ओ चांस, NH4+ ओ चांस। और अगर मैं HCl के अंदर या किसी और एसिड में से HCl में डाल दिया, HCl में डाला तो क्या होगा, क्या जाएगा, H3O+ प्लस Cl-। तो वाटर जो है इट रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस, क्लियर, बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस। तो ये एम्फोटेरिक नेचर होता है वाटर का, और इसमें सेल्फ आयनेशन भी होता है, ऑटो आयनेशन भी होता है। ये मैंने तुम्हें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जब पढ़ाया था तब बताया था, H2O+ H2O, ये क्या देगा, H3O+ प्लस ओ चांस, ये दिस इज सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर। या NH3+ NH3 ले लो, सेल्फ आयनेशन ऑफ एमोनिया, NH3+ NH3 क्या देगा, NH4+ ओ चांस, सेल्फ आयनेशन है। नेक्स्ट है सेकंड, रिडॉक्स इन्वॉल्विंग वाटर, रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती है वाटर, तो रिडॉक्स रिएक्शन इसकी मेटल के साथ भी है और नॉन मेटल के साथ भी है। ऑफ H2, रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ H2। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम सबको पता है रिएक्ट्स वेरी फास्ट विद वाटर, सोडियम फायर को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, रीजन सोडियम वो फ्लेम जो है और ज्यादा हो जाती है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि H2 गैस रिलीज होती है विच इज हाईली कम्बस्टिबल, विच इज हाईली कम्बस्टिबल, एंड दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। Na की स्टेट यहाँ 0 थी, यहाँ पे Na की स्टेट +1 हो गई है, यहाँ पे Na की स्टेट प्लस हो गई है, H की स्टेट यहाँ +1 थी, H की स्टेट यहाँ पे 0 हो गई है। तो Na का ऑक्सीडेशन हो गया है और H2 का वाटर H+ का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं तो आयरन की, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, MgO छोटा इस पर H2। आयरन की बात करें तो आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है, आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा Fe2O3+H2, समझ रही बात क्लियर है। तो ये शो कर रहा है कि वाटर के साथ जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव है थोड़ा डिफिकल्टी से रिएक्ट करेगा। तो वाटर से रिएक्ट करते हैं एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑल दीज रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। अब नॉन मेटल की बात करें, अगर नॉन मेटल की बात करें, अगर नोट करते रहना साथ साथ, सर वो वहाँ पे NH2 का ना, वो अमोनिया प्लस अच्छा अमोनिया अलग करने एनएच का। टू माइनस। नेक्स्ट सब है, नेक्स्ट नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल हमारे पास कौन कौन से हैं, बोरोन, बोरोन नॉन मेटल है, कार्बन है, सिलिकन है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स है। चलिए ये 11 नॉन मेटल्स हैं। अब इन नॉन मेटल्स में से किसके साथ रिएक्ट करता है, इन नॉन मेटल्स में किसके साथ रिएक्ट करता है, ध्यान देंगे, किसी को पता किससे रिएक्ट करेगा वाटर, इन ये टोटल 11 नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किससे रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किससे, भव्या ने बोला है, यस सर। भव्या थोड़ा चेंज है, ध्यान दो, वाटर जो एन, और कोई बताएगा आंसर क्या, भव्या लेकिन बहुत अच्छा ट्राई किया, एक गलती की है बस, सब पहले तीन छोड़ के सारे वो बी बोरोन कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के।
एक बार देख लो, वाटर, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ पे, वाटर किससे रिएक्ट करेगा आउट ऑफ दीज नॉन मेटल्स? देखो इनसे रिएक्ट नहीं करता तीन से, क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स है हाईली स्टेबल है, नेटवर्क सॉलिड्स है हाईली स्टेबल है, इनसे रिएक्ट नहीं करेगा। बोरोन कार्बन सबने सुना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में। सिलिकॉन का भी स्ट्रक्चर बनता है कैसे, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है पूरा इसका। तो ये नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इनमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, तोड़ना बहुत टफ होगा, देयरफॉर ऐसे ही बोरोन ऐसे ही कार्बन, तो इसलिए इनकी रिएक्शन नहीं होती पानी के साथ, बिकॉज दे आर नेटवर्क सॉलिड्स। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो मैं पता ही सबको, इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऑक्सीजन ओडल बॉन्ड हो, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। फॉस्फोरस में भी एक एटम तीन बॉन्ड बना रहा है, सल्फर में भी एक एटम दो बॉन्ड बना रहा है, तो इनमें रिएक्शन नहीं होती, डिफिकल्टीज होती है बहुत रिएक्शन, यानी ना तुम्हें तुमसे कोई पूछेगा तो तुम कहोगे रिएक्शन नहीं होगी। जैसे फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस की ये आया फॉस्फोरस, तो एक एटम थी ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर दिया मैंने, और ये रेड फॉस्फोरस पॉलीमरिक होता है, ब्लैक फॉस्फोरस भी पॉलीमरिक होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। और सल्फर की बात करें तो सल्फर का क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, S8, S8 ये P4 है, व्हाइट फॉस्फोरस दिया मैंने, ये है S8 क्राउन शेप स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों पानी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये सात एलिमेंट बता दिए मैंने तुम्हें, जो पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। बोरोन कार्बन सिलिकॉन क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड्स हैं, पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर, क्योंकि इनके बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो मल्टीपल बॉन्ड होता ही है, सही ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, फॉस्फोरस सल्फर में बॉन्ड ज्यादा बनते हैं, क्राउन शेप स्ट्रक्चर है, या फिर फॉस्फोरस का टेट्रा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करते। अब इधर आया चार, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें F2Cl2Br2 रिएक्टिव ऑर्डर याद होगा तुम्हें, F2Cl2Br2I2, F2 ज्यादा रिएक्टिव, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर लीस्ट I2। तो F2 तो जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्शन लिखेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन होती है इनकी, F2 में H2 डाला। अच्छा F2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में? F2 तो हमेशा नेगेटिव हो रहा है, F क्या होगा हमेशा, F हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं, तो यस नेगेटिव है ना, और H क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, H+F- यानी HF आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 में या O3 में, ये आंसर आएगा, याद रहेगा H++F-, HF भी नहीं लिखा होता, लिखा होता है H++F-, इस प्लस O2 या O3, याद रहेगी F2 की रिएक्शन, F2 की रिएक्शन वाटर के साथ, ये सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। फिर Cl2 की, अब Cl2 जो है, ध्यान देना, Cl2 जो है ये Cl+ और Cl- दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये Cl+ और Cl- दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हिमांग? गर्व? यस सर, Cl2 दोनों फॉर्म है ना, Cl+ में भी Cl- में भी, तो Cl+ को जोड़ देना OH- के साथ, बन जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, और H+ और Cl- जोड़ देना HCl, और बहुत लंबे समय तक पड़े रहेंगे ना दोनों, ये बहुत लंबे समय तक पड़े रहेंगे दोनों, तो बन जाएगा HCl+ ½ O2, 2HCl+ ½, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। और Br2 की रिएक्शन सेम, Br2+H2O क्या दे देगा, HBr+HOBr, HBr+HOBr, और I2+H2O नो रिएक्शन, ये याद रखना, लीस्ट रिएक्टिव है, नो रिएक्शन, इसके जस्ट उल्टे वाली रिएक्शन होगी फ्लोरीन वाली की, जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन है इसके जस्ट उल्टा, H++I- + O2 क्या दे देगा, I2+H2, फिर हुआ कि नहीं है, फिर हुआ कि नहीं, यस सर। तो ये था ना, ये रिएक्शन थी रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर, रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर।
तो कैसे रिएक्ट करता है मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट थर्ड जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ये टॉपिक तो मेरे को पढ़ाना है पूरा डिटेल में, बहुत बड़ा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो मेरे को करवाना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, नोट करना है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ एच प्लस, ध्यान रखना पानी के अंदर एच प्लस आयंस है और ओच आयंस है, इंट्रैक्शन ऑफ एच प्लस एंड ओच आयंस, इंट्रैक्शन ऑफ एच प्लस एंड ओच आयंस, इंट्रैक्शन ऑफ एच प्लस एंड ओच आयंस ऑफ वाटर विद कैटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट, विद कैटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट, ये हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन है, इंट्रैक्शन ऑफ एच प्लस एंड ओच आयंस ऑफ वाटर विद कैटायन एंड एनायन ऑफ द सॉल्ट टू गिव एसिड एंड बेस, टू गिव एसिड एंड बेस, नोट कर लिया। नोट कर लिया, इंट्रैक्शन ऑफ एच प्लस एंड ओच आयंस ऑफ वाटर विद कैटायन एंड एनायन ऑफ एसिड एंड विद कैटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट टू गिव एसिड एंड बेस, नोट कर लिया कि नहीं यस सर, है। और ये कोवेलेंट कंपाउंड का जनरली ठीक हाइड्रोलिसिस होता है, कोवेलेंट कंपाउंड को पानी जो है हाइड्रोलाइज करता है और आयनिक कंपाउंड्स को हाइड्रेट करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स को हाइड्रोलिसिस करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स का पानी क्या करेगा हाइड्रोलिसिस, और आयनिक कंपाउंड का करेगा हाइड्रेट, डिफरेंस बताऊंगा अभी मैं। और ये जैसे एग्जांपल लिया मैंने, इसके अंदर से एग्जांपल लिया BeCl2, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें पानी डाला क्या बन जाता है BeO2, तुम्हें दिख रहा होगा ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं पानी के कैटायन एंड एनायन ऑफ द सॉल्ट के साथ, फिर हुआ कि नहीं है। AlCl3+H2, AlCl3+H2 क्या दे देगा, AlO2 HCl, क्लियर हो रहा कि नहीं है। यस सर, SiCl4 प्लस H2O क्या देगा, SiO4 प्लस 4 HCl, लेकिन इसमें क्या होता है SiO4 है ना, SiO4 इसमें जैसे सिलिकन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो चार ओएच को संभाल नहीं पाता, कई बार ये लूज कर देता है 2H2, ये ऐसे वाटर लूज कर देगा, SiO4 भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2H2 लूज हो जाएगा, 4H2 आना था इधर, ये क्या दे देगा SiO2, SiO2 दे देगा और 2 HCl दे देगा साथ, 4 HCl दे देगा, और साथ में 4H2 का क्या हो जाएगा 2H2, क्योंकि 2H2 लूज हो गए, समझ आया कि नहीं। ये देखो समझ आ गया कि नहीं, यस यस ऐसे ही हाँ। अब ये ना स्पेशल केस है NCl3+H2O, NCl3+H2O क्या देगा, N पे चार्ज होगा माइनस और Cl पे होगा प्लस, समझ गए कि नहीं, N पे चार्ज माइनस Cl पे प्लस, तो जुड़ जाएंगे कि नहीं आपस में, क्या बन जाएगा N-3 NH3 बन जाएगा, और Cl प्लस है तो HOCl, क्या समझ आया। यस क्लियर हुआ कि नहीं है, यस सर, यस सर, अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम फ्यूम इन मॉइस्चर, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम फ्यूम इन मॉइस्चर, हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम सॉरी, हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम फ्यूम इन मॉइस्चर क्या, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल, ये क्या आंसर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल गैस दे फ्यूम इन मॉइस्चर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल गैस दे फ्यूम इन मॉइस्चर, क्या नोट कर लिया। आंसर हेलाइट मैंने वाला वापस सुन बोलना। लेंगे क्वेश्चन, चलिए हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम बोरोन एंड एल्युमिनियम दे फ्यूम इन मॉइस्चर, कोई भी आज तक क्वेश्चन इसमें जिसके अंदर भी एचसीएल गैस बनेगा हाइड्रोलिसिस होने पर वो फ्यूम करेगा मॉइस्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल, और रिएक्शन दिखानी है, क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा बेरिलियम बोरोन और कौन सा था मानते हैं ना। लास्ट वाला, बेरिलियम बोरोन एल्युमिनियम, हाँ क्या कह रहा है,
मैं कहता, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन के ज्यादा मानते ना, तो उस पे नेगेटिव आना हाँ चाहिए। हाँ ध्यान क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस समय पढ़ा था, मैंने बताया भी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर दो तीन केस बताए थे मैंने ऐसे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ज्यादा क्लोरीन की है, लेकिन हम कंपाउंड पे प्रैक्टिकली हम क्या लेते हैं, एन पे नेगेटिव और सीएल पे पॉस, साइज छोटा होने की वजह से। ओके सर, ये नोट करेंगे, एक बार नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस में जैसे P4O6, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्पेशली इनके स्ट्रक्चर्स भी, P4O10+H2। ये नोट कर लेंगे एक बार, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा इनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। पहले इसके लिए इनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, P4O6 का स्ट्रक्चर, P4O10 का स्ट्रक्चर। देखो P4O6 ये स्ट्रक्चर रट देना, देख लेना मैं कैसे बना रहा हूँ, अभी से स्टार्ट कर देना कैसे बनाया स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान सुनना। P4O6 जो कि P2O3 एक ही बात है, P4O5 इक्वल टू P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक ही बात है ये, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल से पानी को बाहर निकाल देगा अगर है उसके अंदर वाटर तो। P4O6 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, P4O6 चार पी लिख देना, हर दो पी के बीच में ओ बना देना, बना दिया, अब इनको जोड़ दो, ये जोड़ दिया, अब ऑल्टरनेट पी के बीच में भी और रखा दो जैसे, ये क्लियर हो गया P4O6 का स्ट्रक्चर की नहीं। यस सर। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, फास्फोरस की एडिशन SP3 होती है इसके अंदर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्लियर है सर स्ट्रक्चर? ये हमने 4O एक्स वाला स्क्वायर शेप में बनाया, ये भी अलग अलग प्लेन में सर। दोबारा बोलो, अर्थिंग सर क्लियर नहीं हो रही बात। जो हमने 4P और ये 4O जैसे लगाए लाइन से, ये भी अलग अलग प्लेन में ही है ना? हाँ, ब्रिजिंग ऑक्सीजन कोई पूछता है इसके अंदर, ये मेन उसका नीट का क्वेश्चन है, इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स सारे के सारे हैं, स्ट्रक्चर एक जैसा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ये। देखो इधर P4 ये स्ट्रक्चर मार दिया, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ मैं, इसका हाइड्रोलिसिस देखो, कोई भी बॉन्ड तोड़ करके, कोई भी बॉन्ड तोड़, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, यहाँ पानी का क्या जाएगा H, यहाँ क्या आएगा OH, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैं हटा रहा हूँ यहाँ से बॉन्ड, ये हटा दिया बॉन्ड मैंने, यहाँ पे यहाँ लगा दिया मैंने H, यहाँ लगा दिया OH, फिर उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, यहाँ पे पानी का H आ जाएगा ऊपर O के साथ और नीचे आ जाएगा OH, करके देखो सारे बॉन्ड तोड़ करके क्या आंसर आ रहा है, करके देखो, देखो क्या आंसर आ रहा है, निकालो जल्दी। तो POH होल थ्राइस आ जाएगा। अगर क्या कह रहा है, सर मैं कहता 4 मोल्स POH होल थ्राइस यानी। H3PO3 के, अच्छा हाँ, हाँ H3PO3। पीओ छोड़ रहा है, H3PO3 डिफरेंस है, तेरा आंसर यही आएगा, देखिए अगर आंसर तेरा यही आया होगा, 4 मोल्स, यही है ना आंसर, यस सर, सर वो लेकिन ये उसमें बदल जाएगा अपने ना, आप ही डबल कन्वर्ट हो बन। जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, क्यों कन्वर्ट हुआ पता है कि नहीं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है ना, मल्टीपल बॉन्डिंग है इसके अंदर, समझ गए कि नहीं? यस सर, तो इंसान का 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 आएगा, तुम आंसर निकाल के देख लो, पर मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ OH, यहाँ OH, ये आ गया, अब कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, यहाँ पे H, यहाँ OH, फिर ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ H, यहाँ OH,
ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ एच यहाँ ओ एच, देखो आंसर आ गया कि नहीं सब, ये बॉन्ड हटा दिया, फिर आगे बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये एच ये ओ एच, क्या चार मॉलिक्यूल्स आ गए थ्री पी ओ थ्री के कि नहीं? यस सर, ये एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल, कितने वाटर लगे इसके लिए? छह वाटर लगे कि यस नहीं? सर, ये पूरी बैलेंस क्वेश्चन है, P4O6 plus 6 H2O के 4 H3PO3, याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था पी ओ सोल्ट्राइज, मैंने उसको अपने आप ही लिख दिया ये इस तरीके से, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सोल्ट्राइज है, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, और P4O10 होता तो 4 H3PO4, सेम चीज है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है इसका, स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल, मैं नेक्स्ट पेज पे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो नेक्स्ट पेज पे स्ट्रक्चर इसका बहुत इजी स्ट्रक्चर बना लेना जरूर, वैसे ही बनाना सेम जैसे पीछे बनाया था वही बनाना, चार पी दिए, अब उसके बाद वो रख देंगे, ये आ गया डबल बॉन्ड लगा दो बस हर जगह, समझ आया सेम स्ट्रक्चर है, लगे समझ आ गया कि नहीं? P4O10 यस सर, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, पी सिंगल बॉन्ड ओ कितने हैं, पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं, ये क्वेश्चन निकालना खुद, पीओ बॉन्ड्स कितने हैं, पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं, निकाल लोगे कि नहीं? है यस सर, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन इस टाइप पे ज्यादा आते हैं, पी सिंगल डबल बॉन्ड तो दिख ही रहे चार है, सिंगल बॉन्ड हो कितने हैं, सर 12, टेन, बिल्कुल हाँ 12 आ जाएंगे, देखना एक बार, और पीओपी बॉन्ड 6 आ जाएंगे, सही ना, पीओपी बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 6, क्लियर है? हाँ अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है हाइड्रेट फॉर्मेशन, एक काम करेंगे 10 मिनट के, 10-15 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लेंगे एक बार, हाइड्रेट फॉर्मेशन बताना, मैंने कहा हाइड्रेसिस मैंने तुम्हें बता दिया है, नाउ इट विल बी हाइड्रेट फॉर्मेशन, वाटर का हाइड्रेट फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें होता है अटैचमेंट ऑफ होल वाटर मॉलिक्यूल, अगर कोई पूछा डेफिनेशन क्या है तो तुम्हें बोलना है अटैचमेंट ऑफ होल वाटर मॉलिक्यूल, जैसे CuSO4 है प्लस 5H2, गिव CuSO4.5H2, अटैचमेंट ऑफ होल वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रेशन है, एक बार रीजन करेंगे फिर बताता हूँ दोबारा।